नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल PSTA क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTC ANM 10709 पोस्ट अपडेट, बिहार स्वास्थ्य विभाग नियमावली 2023 में संशोधन, आज की बड़ी खबर, सभी NM बहने ध्यान दे। आगे देख लीजिए, NM को अस्थायी करने की उठाई मांग। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो BTC ANM 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं जल्द से जल्द यह वैकेंसी क्लियर हो। साथ ही साथ यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो फार्मासिस्ट, OT असिस्टेंट, AGCX या टेक्नीशियन का न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे थे। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो विभाग की तरफ से निकल के आ रही है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों NM1 के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, NM को अस्थायी करने की उठाई मांग। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आज का अपडेट है, भारतीय लोक मंच पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कुणाल सिकंद ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को पत्र लिखकर 2018 नियमावली के अनुसार NM का अस्थायीकरण करने की मांग की है। आगे देख लीजिए, उन्होंने उप मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि 2015 में NM की बहाली हुई थी, सरकार द्वारा जो 2018 में नियमावली बनी उसमें NM का काउंसलिंग कर अस्थायी करने की थी, लेकिन सरकार बदली तो 2018 नियमावली को रद्द हो गई और 2023 नियमावली बनाई गई जिसमें 10,000 से ऊपर NM को परीक्षा देने को कही जा रही है। उन्होंने 2023 नियमावली नए बहाली पर लागू करने की मांग की है। तो दोस्तों देख लीजिए, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इनका यही कहना हुआ। चलिए एक छोटा सा करके हम आपको दिखा देते हैं, इनका यही कहना हुआ भारतीय लोकमंच पार्टी को जो 2018 के नियमावली पर जो वैकेंसी जारी किया है, इस बहाली को 2018 के नियमावली पर ही कौशलिक आधार पर क्लियर कर दीजिए और जो भी न्यू बहाली आएगी उस पर आप 2023 के नियमावली लगा सकते हैं। सरासरी यह अन्याय है, स्टूडेंट के साथ आप अन्याय कर रहे थे। देखिए इन लोग, इनसे मांग किया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव से, तभी यही अपडेट निकल के आ रही है जो कि हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, ये अपडेट देख लीजिए, चलिए आगे बताते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों वह तो भारतीय लोक मंच का अपना पार्टी बनाने के लिए, अर्जी करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव से पत्र लिख के मांगा गया था जो 2018 के नियमावली पर ही NM को काउंसलिंग के आधार पर क्लियर कीजिए और जो नया बहाली आएगा उसमें आप 2023 के नियमावली लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, जैसे BPSC में भी हुआ है, खुद देखे हैं, जो केस भी हुआ, आरची हुआ, फिर भी कुछ नहीं चला। अभी सब स्टूडेंट को ज्वाइनिंग भी ले लिया गया विभाग की तरफ से, इसीलिए इस पर भी कुछ नहीं चलेगा। चुपचाप आराम से पढ़ाई कीजिए, हर चीज़ कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, नहीं आपके मन में कोई सवाल रहेगा, नहीं कोई डाउट रहेगा। तो दोस्तों NM के लिए स्पेशल क्लास लेके आ गए हैं, आपको ही पता है जो PST की क्लासेस द्वारा अभी सफलता पर चलाया जा रहा है। तो दोस्तों 37 क्लास हो चुकी है और अभी तक आप लोग बैच नहीं परचेज किए तो बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी तक 37 क्लास हो चुकी है, आज 38वां क्लास होगा, 37 क्लास हो चुकी है और मात्र आपके पास 18 दिन का समय है। अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आज 17 दिन हो गया, तो इधर आप जोड़ लीजिए, आपके पास 13 दिन इधर है और 5 दिन इधर है, 13, 5, 18 दिन आपके पास समय है, मात्र 18 दिन में ही आपको तैयारी करना है। तो हम यहाँ पर आपको नंबर नोट करवाते हैं, 8051305735, यही मेरा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, इसी पर 149 रुपये आपको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि आपको ही पता है जो 22 तारीख से टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और पर डे 100 का टेस्ट होगा, 22 दिसंबर से आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपको ही पता है आज हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, मेरा आज BRSI का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए 22 से आपका टेस्ट स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक बैच नहीं परचेज किए, बैच परचेज कर लीजिए और जिसको भी 10709 पोस्ट में एक सीट चाहिए उसके लिए सफलता बैच तो रामबन साबित होगी, मिल का पत्थर साबित होगा, इसलिए फटाफट
फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर देख लीजिए 8051305735, यही मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर, इसी पर 149 रुपये आप लोग को ट्रांसफर करना है। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, इसी पर स्क्रीनशॉट आप लोग कर दीजिए और भेज दीजिए। आपको अभी 37 के 37 क्लास अभी मिल जाएगा, जो रेगुलर क्लास हो रहा है वो रेगुलर क्लास आपको मिलता रहेगा। और 22 दिसंबर से धुआंधार आपको टेस्ट स्टार्ट हो रही है और 100% आपको एग्जाम हॉल में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। जो भी बैच परचेज करेंगे 100% आपको रिजल्ट बनेगा गारंटी के साथ, इसलिए फटाफट बैच परचेज कर लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, EGCX या टेक्नीशियन के स्टूडेंट है, आपका भी बैच स्टार्ट हो चुकी है 1 दिसंबर से ही, आप भी बैच परचेज कर लीजिए और मिशन मोड में तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा, सबका सेपरेट अलग अलग क्लास चल रही है। और जो NM कैंडिडेट हैं उनके लिए तो रामबाण साबित होगा, क्योंकि मात्र 17 से 18 दिन आपके पास समय है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए मिशन मोड में। नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो जो विभाग की तरफ से अभी निकल के आ रही है सारी जानकारी हम आपको बता दिया है, कि आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।